नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क क्या वास्तव में होते हैं या नहीं, ये बात सत्य है या झूठ, ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी आया ही होगा। जो शास्त्रों को पढ़ते हैं या संतों के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग और नर्क को सत्य मानते हैं। लेकिन दुनिया में कई लोग आज भी ऐसे हैं जो स्वर्ग और नर्क को काल्पनिक बातें मानते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी प्रमाण के साथ ये जानना चाहते हो कि स्वर्ग और नर्क सत्य है या झूठ? क्या अच्छे कर्म करने से हमें स्वर्ग और बुरे कर्म करने से हमें नरकों में घोर कष्ट भोगना पड़ता है? इस बात का प्रामाणिक उत्तर ये प्रकृति आपको देगी। बस आपको करना होगा एक छोटा सा उपाय। इस उपाय को करने से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वर्ग और नर्क सत्य है या झूठ, ये साबित करने का उपाय मैं आपको बताऊं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे ही मानव हित में आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल के ऑप्शन में क्लिक करिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको क्या उपाय करना है सुनिए। अपने घर के आंगन में एक तरफ आम का बीज बोइए और दूसरी तरफ कांटे का बीज बोइए, और इस उपाय को आप लाखों करोड़ों बार करके देखिएगा। आप देखेंगे आपने जो बीज बोया है आपको वही फल प्राप्त होगा। अब आप अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करिए और सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि हम जैसा बीज बोते हैं हमें वैसा ही फल क्यों प्राप्त होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम कांटे का बीज बोए और हमें आम का फल प्राप्त हो जाए? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति अपना नियम कभी नहीं तोड़ती। धरती पे मानव जैसा बीज बोएगा, प्रकृति उसे वैसा ही फल देगी, चाहे सतयुग हो या कलयुग। ठीक इसी प्रकार हर धर्म के शास्त्रों में लिखा है, जैसी करनी वैसी भरनी। मानव अपने जीवन में जैसे कर्मों के बीज बोएगा, अर्थात जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि मानव अच्छे कर्म करेगा तो फल स्वरूप उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि मानव बुरे कर्म करेगा तो फल स्वरूप उसे नरकों में घोर कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये नियम ना तो सतयुग में बदला था, ना ही कलयुग में बदला है। आप मानो या ना मानो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मानव हित में आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।